खरगोन जिले के महेश्वर में चल रही 3 दिवसीय 7वीं राष्ट्रीय केनो सलालम स्पर्धा का रविवार को समापन हो गया। इस दौरान प्रदेश की संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो भी खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए सरस्वती धारा ट्रैक पर पहुंची। खरगोन जिले के महेश्वर में बीते 3 दिनों से नर्मदा नदी स्थित सरस्वती धारा की तेज धारा के बीच मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला सहित कुल 12 प्रदेशों के करीब 200 खिलाड़ी नर्मदा के व्हाइट वाटर में अपने खेल का जौहर दिखाकर अपने प्रदेश के लिए मेडल प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। वहीं इस स्पर्धा में चयनित खिलाड़ियों का भारतीय केनो सलालम टीम के लिए भी चयन किया जाएगा, जो मार्च 2020 में थाईलैंड में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए भारत के लिए खेलेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। और बड़ी रोमांचक खेल होता है, साथ ही केनो सलालम स्टार्ट हुआ और ये केनो सलालम में देखें आप खिलाड़ी 114 नंबर के पोस्ट में कितने अच्छे तरीके से गेट क्लियर करते हुए, एक ने गेट टच किया, फाइल हो गया, 50 पॉइंट माइनस हुए उनके 2 पॉइंट के साथ में। इसका पूरा कैलकुलेशन होता है और यहाँ पे एस्किमो रोल लगाते हैं उसको पार करने के लिए। बहुत ही एडवेंचर, मतलब ओलंपिक्स में थर्ड लार्जेस्ट सीइंग गेम होता है ये। किसी भी रेटिंग होती है जब ओलंपिक्स होता है तो किसकी कितना व्यूअरशिप है, केनो स्लालम में थर्ड लार्जेस्ट व्यूअरशिप इन वर्ल्ड फॉर ओलंपिक्स गेम्स, उसके माध्यम से उसकी टीआरपी और वर्किंग होती है। बहुत अच्छी और गोल्डियां तो है क्योंकि नेशनल लेवल पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री संभाली है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो बहुत अच्छा नेतृत्व इस प्रदेश को मिला है, विजन बहुत है। मैं अभी एक 2-3 दिन का वाकया बताऊं कि मेरे पास मेडिकल एजुकेशन, आयुष एंड बजट मिनिस्ट्री है। आयुष मिनिस्ट्री का जब रिव्यू उन्होंने किया तो मुझे बुलाया हम पूरा हमारा विभाग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन